की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल लड़कियों के बारे में, जो लड़कियां फ्यूचर में वेस्टर्न कंट्री में जाकर सेटल होना चाहती हैं, बेशक वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे जाना चाहती हैं, या फिर पीआर के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, या फिर शादी करके जा रही हैं, तो उनको कुछ ऐसे काम हैं, अगर वो इन कामों में से कोई ना कोई काम जहां से सीख कर जाएंगी तो डेफिनेटली वहां जाकर उन्हें किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी, उनके पास काफी डॉलर होंगे। तो वो कौन कौन से काम है जो लड़कियों को सीख के जाने चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ नर्सिंग के बारे में। कनेडा में क्या है, नर्सिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आपने प्लस टू मैथ के साथ पास की हुई है और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको बता दूं कि आप कनाडा में 1 करोड़ रुपया इजीली कमाई कर सकते हैं एक साल की। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कनाडा में जो नर्सिस हैं वो कितनी इनकम प्राप्त कर रही होंगी। आगे आ जाता है मेडिकल लैब अटेंडेंट। इसमें भी आपने मैथ के साथ प्लस टू की होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इसमें क्या है, आपका काम आपने जो पेशेंट हैं उनके ब्लड वगैरह के सैंपल लेने होते हैं। इसमें क्या है, आपकी जो सैलरी पैकेज है वो साल का तकरीबन 50 लाख के करीब हो सकता है। तो इसमें भी सैलरी पैकेज आपको अच्छा मिलता है। आगे आ जाते हैं कुक, जिनको खाना बनाना अच्छा आता है। अगर आपने किसी संस्था से कुकिंग का कोर्स किया हुआ है, आपको बटर चिकन हो गया, तरी वाला चिकन हो गया, तंदूरी रोटी हो गई, समोसे हो गए, कचौरी हो गई, ये सारा सामान अच्छे से बनाना आता है, तो आप 2 से 3 साल में वहां पर करोड़पति तक भी बन सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अच्छा, आपको ये सारा काम आता है, तो आप इजीली फॉरेन कंट्री जाकर सेटल हो सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कनाडा में कुक की कितनी डिमांड है। नेक्स्ट आ जाता है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में अगर आपने प्लस टू की हुई है, आईटी ट्रेड का आपने कोर्स किया हुआ है, तो आप इजीली कनाडा जाकर अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। कनाडा में स्पेशली क्या है, हेयर कटिंग, हेयर डाइंग, नेल आर्ट और फेशियल का काम ज्यादा चलता है। तो अगर आपको ये काम आते हैं तो डेफिनेटली आप पार्ट टाइम भी अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दुपट्टे या फिर पगड़ियों को कलर करने का काम, डाई करने का काम। अगर आपको ये काम आता है तो आप सैटरडे संडे ओनली काम करके भी अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आगे आ गया अकाउंटेंसी। अगर आपका मैथ अच्छा है, आपने अकाउंटेंसी का कोर्स किया हुआ है और टैली की आपको प्रैक्टिस है, तो आपको फॉरेन कंट्री जाकर काम की कोई कमी नहीं आएगी। तो आप अकाउंटेंसी का काम भी यहां से सीख के जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ड्राइविंग। आपको इतना बता दूं कि जैसे इंडिया में हमारे हर घर में साइकिल या स्कूटर है, वैसे ही कनाडा में सभी घरों में गाड़ियां हैं, क्योंकि वहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, सर्दी से बचने के लिए और स्नो होती है उससे बचने के लिए क्या लोग गाड़ी ही यूज करते हैं, तो इसी वजह से वहां ड्राइवर्स की जरूरत रहती है। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप ड्राइव करके भी अच्छी ज्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं, एज अ ड्राइवर आपको इजीली काम मिल सकता है। तो ये सारे काम मैंने आपको बता दिए हैं। इन कामों में से आपको अगर लड़की है, बेशक क्योंकि वहां पर लड़के या लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, आप इनमें से कोई भी काम अगर सीख के जाएंगे तो वहां जाकर आप अच्छा सैलरी पैकेज ले सकते हैं। ज्यादा डीपली अगर आपने जानकारी लेनी है तो आप पीछे दिए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, सही सलाह देना चाहते हैं। सो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।